दोस्तों, जब से CHSL 2019 या CGL 2019 का भी रिज़ल्ट आया है, तब से जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं, खासतौर से CGL 2020 या CHSL 2020 के जो एस्पायरेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, या SSC का कोई भी एस्पायरेंट परेशान है कि इतना जब कट ऑफ आजकल जा रहा है तो हमारे प्रिपरेशन का पॉइंट है, रिलेवेंस कोई है? आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जो चीज़ें हम लोग प्लान करके हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्या आज भी सेम चीज़ एग्जिस्ट करती हैं? चीज़ें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं अगर अब तो प्रिपरेशन करने का कोई पॉइंट है नहीं, या फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है उनकी प्रिपरेशन में? ये कई सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं, और ऑब्वियस बात है, जब कट ऑफ आप इतना अगर देख लें जो कि प्रीवियस ईयर से बिल्कुल अलग हो इतना, तो ऐसे थॉट्स आना बहुत लाजमी है। और अभी तो हम लोग काफ़ी सारे कैंपेन कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा जो पर्पस है वो पूरा है कि ये जो फोकस है सबका इस तरफ ले जाना है कि SSC जिस तरह की लापरवाही करता है रिजल्ट पब्लिश करने में, एग्ज़ाम लेने में, तो उस पर जो पावर में हैं लोग उनका ध्यान जाए और कुछ रिएक्शन वो लोग लें, कोई एक्शन लें। रिएक्शन तो छोड़, रिएक्शन तो हम लोग कर रहे हैं, एक्शन एटलीस्ट वो लोग लें ताकि कुछ चीज़ें इंप्रूव हों। तो यहाँ मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करूँगा जिससे कि जो आपका कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में, आपके प्रिपरेशन को लेके, आपके परफॉर्मेंस को लेके, आपके जॉब सिक्योरिटी को लेके SSC के साथ आने वाले वक्त में, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कट ऑफ को देख के अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स पहले मैं आपको सामने में रख देता हूँ आपके। सबसे पहले तो जो कट ऑफ आप अभी देख रहे हो एक्चुअल में वो कट ऑफ है नहीं, ये SSC की लापरवाही का नतीजा है। जिस रैश वे में उसने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स ऊपर नीचे हो गए हैं, पहली चीज़। दूसरा, SSC CGL 2019 पर्टिकुलरली का जो पेपर आया था वो पिछले 10 साल में आप जाके देखो, आपने अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी हद तक देख भी रखा होगा, इतना इजी पेपर आज तक नहीं आया। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, जब CGL 2019 का मैं पेपर दे के आया था उस टाइम भी मैंने जो वीडियो बनाया था तो मैंने उस वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि इससे आसान पेपर आज तक नहीं है, जबकि मेरा शिफ्ट 15 को था, फिर भी मुझे ये चीज़ लगी कि इतना ईजी पेपर शायद आज तक नहीं आया होगा कभी SSC के हिस्ट्री में। तो पेपर एक तो ईजी आ रहा है, प्लस आजकल जो अच्छा कंटेंट है, रिलेवेंट कंटेंट है, वो हर एक के लिए एक्सेसिबल है। घर में बैठ के, काफ़ी हद तक फ्री में बैठ के लोग अपने घर से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई एक ही एक्सेस में है ये चीज़ें। तो ऑब्वियसली आज से 5 साल पहले या 3 साल 4 साल पहले जितने लोग डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते थे रिसोर्सेज के साथ, उस नंबर में आज बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो अगर आप आज के वक्त में इतना ईजी क्वेश्चन पूछोगे तो ऑब्वियसली वो लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं, बिल्कुल कंप्लीट। इस बार तो 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड आ गया था पेपर कंप्लीट, और सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करता ही करता है, तो डेफिनेटली कट ऑफ का सर्ज होना तो लाजमी है। लेकिन वही अगर नेक्स्ट टाइम आज से 1 साल बाद जो 20 वाला पेपर होगा उसमें अगर जो पेपर है वो स्टैंडर्ड रखे, जैसे हर साल पूछता था पेपर वैसा ही रहेगा, तो फिर से कट ऑफ काफ़ी नीचे आ जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन और जो टफनेस लेवल है पेपर का, ये दो बहुत बड़े रीज़न हैं कट ऑफ का इतना बढ़ने का। आप लोग ये सोच रहे हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है इसलिए कट ऑफ बढ़ गया है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन थोड़ा बहुत हर साल बढ़ता है, वो लाजमी चीज़ है, वो बढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कोई चमत्कार हो गया और कट ऑफ बहुत ज़्यादा 100-100 नंबर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जो आप लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि हम लोग 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, बट अब लगता है 13-14 घंटे से कम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने प्लान में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो, जितना आप पढ़ रहे हो अपने टाइम टेबल रूटीन के हिसाब से जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। कोई आपको यहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप बढ़ा सकते हो फिर तो बेस्ट है, आप बढ़ाओ जितना आपको परफॉर्मेंस अपना इम्प्रूव करना है। बट अगर नहीं भी बढ़ाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जो जो आपने 1 साल पहले प्लान करके आपने जो रूटीन सेट किया था वो अब इरेलेवेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो सबके लिए है, ठीक है। आज आपके पास भी सारे अच्छे अच्छे रिलेवेंट कंटेंट हैं उसको पढ़ने के लिए, तो ये सब बिल्कुल वाहियात बात है, इसमें बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। तो ये तो प्रैक्टिकल फैक्ट हो गए जो कि मैंने आपके सामने रख दिए, जिससे कि आपको ये डर जो आपके मन में है कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैं प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है, इसमें बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है मोटिवेशन की बात कि हार्डवर्क कितना करें, क्या करें, और अब हार्डवर्क करें तो किस डायरेक्शन में करें। बहुत लोग कह रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा हार्डवर्क का, थोड़ा सा कुछ बताइए। बहुत सारे कमेंट्स भरे हुए हैं ऐसे कमेंट्स से, इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं पर्सनली। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे हो कि शायद हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना हमने सोचा था उतना नहीं, उतने में नहीं होगा। तो एक बात आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि आपका SSC अगर आपका क्रैक हो जाएगा तो आपकी क्या लाइफ होगी?
मतलब बिल्कुल आप सेठ जी की तरह आप जीने वाले हो। आप जितना अभी हार्डवर्क कर रहे हो ना, अभी जितना कर रहे हो जो कि आपकी चॉइस है, उससे कहीं ज़्यादा हार्डवर्क आपको जॉब की बात करनी होगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों से जिन्होंने SSC का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है और जॉब कर रहे हैं। ये बात बताई नहीं जाती यूट्यूब पे, लेकिन ये सच है कि अभी जो आप ये सोच रहे हो कि बस एक जॉब निकल जाए और मेरा लाइफ तो सेट है, ये लाइफ सेट है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो बचपन से हमें लोगों से कहा जा रहा है, ये काम करो लाइफ सेट है, ये काम करो लाइफ सेट है। लाइफ कभी सेट नहीं होती है। आप जब समझ लोगे लाइफ तभी सेट है। हार्डवर्क के रिगार्डिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आती है जहन में, वो लाइन थी कि इफ़ इट इज़ एन ऑप्शन हार्डवर्क इज़ टफर टू डू। जब आपके पास कोई और ऑप्शन होता है ना, तो आप हार्डवर्क उतना करना नहीं चाहते हो। एक बात बताओ कि मान लो कि आपने की जॉब आपकी लग गई, या कहीं आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो मे बी, और आपका कोई मैनेजर है, तो आज आपको आपने सुबह आप उठे और आपको ऑफिस जाने का मन नहीं है, तो क्या आप मैनेजर को कॉल करके कभी बोलते हो कि सर आज मुझे ऑफिस आने का मन नहीं है क्योंकि मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन कुछ दीजिए तब मैं आऊँ ऑफिस? कभी कहते हो? क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे आपको करना ही करना पड़ेगा। तो उसी तरह का ऑब्लिगेशन अगर आप अपने प्रिपरेशन में भी अगर इम्प्लीमेंट कर दो तो क्या ही बात हो जाए। और एक बात कि रोज़ रोज़ खुद को मोटिवेटेड रखना ये बहुत मुश्किल है, आप रोज़ खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। हाँ, एक आध महीने में कभी होता है कि ऐसा फेस थोड़ा आ जाता है, लो पॉइंट फील हो गया, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो फिर लगता है, या फिर इसी तरह से कोई रिजल्ट पब्लिश हो गया उसके कट ऑफ देख के थोड़ा डर लग जाता है, ठीक है, तो वो अलग बात है, पर डेली डेली आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। तो बेस्ट है कि हार्डवर्क को अपना आप रूटीन बना लो। आप ऐसा कर लो कि मुझे 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप पढ़ो ही, चाहे वो आपका रूटीन है, आपको ऐसा नहीं कि वो फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़े, वो आपका रूटीन, जैसे कि आप खाना खाते हो, घूमने जाते हो, बाथरूम जाते हो, नहाते हो, वैसा आपका वो रूटीन हो जाना चाहिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और जितने भी घंटे अभी आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा हूँ 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, तो उसको आपको बिल्कुल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना में ही आपका निकलेगा, उसी को आप अच्छे से, उतने देर ही आप अच्छे से पढ़ो उतने में ही निकलेगा, कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा है, कोई सवाल तो फालतू चीज़ें दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, नॉर्मलाइजेशन बहुत घटिया हो गया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा दिख गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख गया जबकि उतना बढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इतना ही बात है, सिंपल। देखिए, अगर आप समझदार हो तो इतने में ही आप समझ जाओगे, नहीं समझदार हो, आपके दिमाग में थोड़ा होते हैं, कुछ लोग हल्के दिमाग के होते हैं, थोड़ा डर जाते हैं जल्दी, या इमोशनली कैरिड अवे जल्दी हो जाते हैं, तो उनको और शायद कुछ आप वीडियोस देखोगे या फिर इधर उधर भटकोगे। लेकिन अगर आप सॉर्टेड हो कि मुझे SSC के थ्रू जॉब लेनी ही लेनी है इस बार, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। दो तरह के लोग होंगे यहाँ पे, दो तरह के लोग होते हैं, सॉरी तीन तरह के लोग। पहले वैसे लोग जो कि ये सब माहौल देख के उनकी प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी। दूसरे तरह के लोग वैसे जो ये सब देख के प्रिपरेशन छोड़ देंगे, किसी और तरह की चीज़ों की तरफ स्विच कर जाएंगे। और तीसरे लोग जो ये सब देख के और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और ज़्यादा जोश के साथ पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इन तीनों में से आप कौन हो। तो जो शेर हैं वो तीसरे तरह के लोग होते हैं, और बाकी लोगों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इतनी ही बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इस बार, आपको आश्चर्य होगा कि 2020 का जो फॉर्म भराया है CGL का, तो मात्र 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 21 लाख, जो कि पिछले साल से कम है, ठीक है। 26 लाख था 2018 में, जहाँ तक मुझे याद है, और 19 में शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट शायद उसमें भी कुछ था, आई एम नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट, बट जो नंबर है इस बार 21-22 लाख है। तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, रुझान है उनका, वो सब ऐसे माहौल की वजह से कम हुआ है। लेकिन अगर आपका यही टारगेट है तो आपका इंटरेस्ट कम होने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो जी जान से लगे रहिए। प्लस एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँ कि जो आखिर के दिन कुछ बच गए हैं, आखिर के 2-3 महीने हैं, उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।